हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। छोटी सी गाइस ये वीडियो बनाएंगे आप लोगों का व्यू पॉइंट जानने के लिए कि जो इन्होंने बोला है सितंबर से भाई 24 आवर्स पर वीक हो जाएंगे फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड दैट विल बी अ परमानेंट चेंज। तो आप इस चीज से खुश हो या नहीं? बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट होंगे भाई, सबका अपना अपना व्यू पॉइंट होगा। आपका क्या पॉइंट है, आप किस नजरिए से इस चीज को देखते हो, प्लीज बताना यार, प्लीज बताना, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं भाई जो नाराज हैं, डिसअपॉइंटमेंट है उनमें कि भाई 30 आवर्स कर देते या हमारे खर्चे निकल जाते, ये था वो था। बट दूसरे लोग कह रहे हैं कि भाई 3 शिफ्टें पर वीक बहुत हैं, ठीक है, हमने स्टडी पे फोकस करना है, हमने ये करना है, बैलेंस करके चलना है, तो 24 आवर्स पर वीक बहुत है। तो आप क्या सोचते हो, क्या भाई ये चीज सही है या फिर ये चीज भाई नहीं सही स्टूडेंट्स के लिए? स्टडी इतनी महंगी हो गई है, ये इतना महंगा हो गया है, खाने पीने का खर्चा, रहने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट, ये वो, फोन बिल्स, वो निकलेंगे नहीं, इतना खर्चा नहीं निकलेगा, क्या लगता है आपको? अगर आप स्टूडेंट हो तो भाई बताओ यार, ठीक है। या फिर अगर आप स्टूडेंट बनना, मतलब बनने वाले हो, यहाँ पे आने वाले हो, चाहे वो मेन इनटेक है, चाहे आपका सितंबर इनटेक है, चाहे आप जैन इनटेक लेके आओगे, बताओ यार आपको क्या लगता है अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि ये डिसीजन सही है, या फिर 30 आवर्स पर वीक हो सकते थे, या फिर 24 आवर्स पर वीक बहुत है भाई, कुछ तो मिला, कुछ तो मिला, जितना मिला उसमें खुश रहो। क्या लगता है आपको, अपना व्यू पॉइंट दो भाई। देखते हैं लोगों को क्या लगता है, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? टेक केयर गाइस, एंजॉय, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।